स्वामी जी, एक स्टडी आई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, वो ये बताती है, जिसके बारे में आप भी अक्सर कहते रहते हैं, कि जो शरीर का बैलेंस है, हाइट के मुताबिक वज़न का होना, हाइट के मुताबिक शरीर की चौड़ाई का होना, तो जो कमर की चौड़ाई है वो लंबाई की आधी या उससे भी कम होनी चाहिए। तो जो बॉडी मास इंडेक्स भी अगर 18 से 24 के बीच है तो हेल्दी हार्ट की निशानी ये माना जाता है। लेकिन ये वज़न, कमर की ये चौड़ाई मेंटेन कैसे रखी जाए, और ये बड़ी बहुत दिलचस्प बात है कि अब इसको जाके नापना होगा कि हाइट से हमारी कमर की चौड़ाई क्या आधी है, उससे कम है, कहीं ज़्यादा तो नहीं निकल गई। देखो, ये कमर को घटाने के लिए ही है ये पाद वृत्तासन, जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले, ऐसे पूरा ऐसे गोल गोल घुमाए ऐसे, इससे थाई बटक सीट्स और कमर सारे एकदम स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बन जाएंगे, और कमर तो एकदम पतली पतली हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये, और जो एक एक पर से करे जो दोनों से नहीं कर सकते, और फिर बैठ करके चलो भाई सब करो, ये तो बहुत ईजी है, इसको तो कोई भी कर सकते हैं, ऐसे सबकी कमर को पतला कर देते हैं, ये 100-200 बार ऐसे कर लेते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ कीजिए सभी, ये इससे तो कमर इतनी पतली हो जाती है, ऐसे 100-200 बार ये और 100-200 बार ये कर लेते हैं। तो ये BMI को 100% परफेक्ट बनाने के लिए 5 अभ्यास बता दिए हैं कोलेस्ट्रॉल के बाद, और देखो कमर को मापने और मपाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंगूठा पीछे रखो, तुम भी रखो, हमारे परवेज अख्तर भाई के तो पकड़ में आए जाएगी, बाकी जो है उसकी तो पकड़ में नहीं आएगी अभी, पीछे अंगूठा और सामने से उंगलियों में ऐसे आना चाहिए, देखो पेट, अच्छी बात, हाँ। अभी मीनाक्षी जी आप ये कार्यक्रम मत करना, क्योंकि आपके भीतर दूसरी आत्मा भी अवतरित नहीं हो, नहीं मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हुसैन अपना ट्राई करके देख रहे हैं, मैं टोकने वाली थी, हुसैन जो है चेक कर रहे हैं कि BMI ठीक है या नहीं, नहीं आई होगी। और दूसरा तरीका ये है हुसैन भाई, फिर वो आपको जो सिंहासन से उतर के आसन पर आना पड़ेगा मीनाक्षी जी के साथ, तो बाएं पैर को देखो बाएं हाथ से ऐसे पकड़ा, दाएं पैर को पीछे से दाएं हाथ से ऐसे पकड़ा, और उसके बाद कई लोगों को तो स्वामी जी छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा, लॉक हो गया तो है, लॉक हो जाएंगे, उनको छुड़ाने जाना पड़ेगा। तो ये BMI का परफेक्ट तरीका है, और जो ज्यादा ना कर सके खाली कपाल भाती करते रहे, और खाने पीने पर कंट्रोल कर ले, जुबान पर कंट्रोल रखो, जो चटोरे होते हैं, काम चोरे होते हैं, और फालतू में इधर उधर हांटते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव कामों में लगे रहते हैं, हंडोरे होते हैं, फिर वो जीवन में सदा दुखी रहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसी से ठीक हो जाता है, और हार्ट के प्रॉब्लम है तो इसको दबाते हुए करें, डायबिटीज है तो इसको दबाते हुए करें, BP है तो ये दबाते हुए करें, तो हार्ट, BP और शुगर, और साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जब लंबे समय तक BP और शुगर की प्रॉब्लम बनी रहती है तो ये किडनी का भी पॉइंट साथ साथ दबा लें, किसी किसी को थायराइड के कारण से भी हार्ट की पल्पिटेशन और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ से भी पॉइंट दबाते रहें, तो ये एक्यूप्रेशर भी, मर्म चिकित्सा, नाड़ी विज्ञान भी साथ साथ बता दिया हमने हुसैन भाई मीनाक्षी बहन। अच्छा स्वामी जी, आप खुद ये कई बार बता चुके हैं कि, और कई स्टडीज भी ये बताती है, तो मंडूकासन और योग मुद्रासन। जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आपने भी ये बात कही और बहुत सारी स्टडीज भी ये बताती हैं कि अगर किसी परिवार में किसी एक पुरुष या महिला को, बल्कि पुरुष में 55 साल और महिलाओं में 60 साल की उम्र में से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी है, तो ये आगे की पीढ़ी में इस बात के, इस प्रॉब्लम के ट्रांसफर हो जाने का, यानी हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है, इतना ही नहीं दिल की बीमारी बढ़ाने वाली आदतें भी आने लगती हैं, तो इन आदतों को कैसे बदलें, क्योंकि रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आदतों को बदल लिया जाए तो 47% जो रिस्क है वो घट जाता है। मैं तो कहता हूं
योग करने की आदत डाल लीजिए, 100% रिस्क घट जाएगा। ये जो बात टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं ना कि इतनी ये चीज ठीक कर ली तो इतना, ये ठीक कर लिए तो इतना, तो एक हम कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, हम लोहार वाली मारते हैं चोट। एक योग करने की आदत डालिए, 100% रिस्क खत्म। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रोल का, ओबिसिटी का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और जेनेटिक एक्सप्रेशन हमारे डीएनए आरएनए प्रोटीन के लेवल पर होता है, और उससे हार्ट के मसल्स वीक होते हैं, हार्ट में जो है गंदगी कचरा जमा होने लगता है, कोई इसको कोलेस्ट्रोल कोई दूसरे नाम दे रहा है, अभी तक तो यही नहीं पता लगा कि भीतर जो आर्टरीज में जमा होता है वो मटेरियल है क्या। लेकिन ऐसा लोगों ने देखा है कि हाई कोलेस्ट्रोल वालों को हाई रिस्क होता है। तो अंदर हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रोल जमा होना, कैल्सिफिकेशन होना, हार्ट का इनलार्ज होना, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, कोई भी कारण है उसका निवारण हो जाएगा। सुबह सुबह योग कर लेंगे तो खाने पीने की आदतें भी अपने आप फिर ठीक हो जाती हैं। एक योग करने की आदत से सारी बुरी आदतों पर भी कंट्रोल आ जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह की जो जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफ जो जीते हैं, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी जो विचार हो, उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तो मैं तो आपने 50% बताया, 47% बताया, मैं तो कहता हूँ एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें ठीक और 100% जेनेटिक हार्ट डिजीज का खतरा भी टल जाएगा मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, अब एक और ऐसी बीमारी की बात कर लेते हैं जिस बला के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज। अब ये एक ऐसी बला है जिससे शरीर को नुकसान तो पहुंचता है और वक्त रहते इससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि योग का तो सिद्धांत ही ये है कि समय पर अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए, नब्ज पकड़ ली जाए, तो फिर ठीक किया जा सकता है। तो स्वामी जी, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के बारे में भी थोड़ा बताएं, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। मैं लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, आज ये बेटी अचानक आई, सेकंड वैक्सीन की डोज के बाद इसका चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया था। फिर सामने कर लो बेटा, क्या नाम बेटा आपका? अनुराधा। कितनी उम्र है? हाँ चालू है। 32 साल। 32 साल की उम्र है, और क्या हाल हो तो हुई थी? ये मेरी उंगलियां मूव नहीं हो रही थी, रिस्ट मूव नहीं हो रही थी, मैं कुछ होल्ड नहीं कर पा रही थी और घुटने से ना, और घुटना बैंड नहीं हो रहा था, ये ऐसे मैं चल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और हिप जॉइंट में भी काफी पेन था, और अब मेरा बिल्कुल यहाँ के 5 दिन में बिल्कुल 5 ही दिन में ठीक कर लिया इसने, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से हो बेटा? मेरठ से। मेरठ में तो 1857 की क्रांति हुई थी, इसने योग क्रांति करके अपने आप को ठीक कर लिया। पैर सामने खोलो बेटा ऐसे। अब देखो, आर्थराइटिस जब ज्यादा हो जाता है तो रोमेटिक हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस के कारण से ये हार्ट तक असर आता है। पहले एक एक अंग जाम होता है, फिर हार्ट ही पूरा जाम हो जाता है। अब इसने 5 दिन में काम कर लिया, पहले चल फिर नहीं पाती थी, व्हीलचेयर पर आ गई थी, पड़ी रहती थी, बेड रिडन हो गई थी, अब ये चल पा रही है, दौड़ पा रही है। ये इसको रक्त मोक्षण करा दिया, सींगी करवा दी, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर करवा दिया, इसको स्टीम करवा दी, और थोड़ा परहेज भी करा दिया, एटीएम की सब्जी खिला देते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम हो तो फिर ये लंग बस्ती भी करवा देते हैं जो उधर भाई को हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें हम जो इंडिया टीवी पर बताती हैं, इनको हल्के में ना ले। अब इसलिए मैं कह रहा था, चाहे वो सोराइटिक हार्ट डिजीज है, चाहे वो रोमेटिक हार्ट डिजीज है, सोराइसिस के कारण से भी हार्ट के ऊपर असर आता है और आर्थराइटिस के कारण से भी असर आता है। अब मैं ये नहीं कहता कि सबका 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन लगे रहे, ऐसे बैठ जाओ तो लगे रहे तो हो जाएगा ठीक, जैसे इस गुड़िया ने ठीक किया। तो ऐसे 5-5, 7-7 दिन में, जैसे परवेज अख्तर भाई ने 5 दिन में पेट का गोला इधर उधर फैल रहा था, वो हार्ट के ऊपर भी अटैक करता है, तो 5 दिन में भी अच्छे हो सकते हो, 50 दिन लगेंगे और हो जाओगे ना, रास्ता मिल गया, मंजिल भी मिल जाएगी, ठीक होने की गारंटी है, मिल गया है, वक्त का ही है। इंडिया टीवी ने ऐसा जी जी ठीक होने की गारंटी है, लेकिन ठीक कितने दिन में कौन होगा ये थोड़ा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।